9 न्यूज़ एक बार फिर से मैं प्रद्युमन मर्डर मिस्ट्री से जुड़े अहम खुलासों को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो खबर जुड़ी है आरओपी बस कंडक्टर अशोक से, जिसकी बेल का सीबीआई ने विरोध किया है। और सीबीआई का ये कहना है कि अभी जांच चल रही है इसलिए अभी बेल नहीं दी जा सकती है। इस पर पूरी जानकारी देंगे मेरे सहयोगी काशिफ जी, बताइए काशिफ जी। जी बिल्कुल, अभी कोर्ट ने बेल देने से उसे मना कर दिया है और अगली सुनवाई जो है 20 नवंबर को तय की है, यानी अभी उसको सुनवाई नहीं मिली। हालांकि उसके वकील ने, अशोक के वकील ने कई दलीलें दी, उसने कहा कि कहीं ना कहीं वो जो है निर्दोष है, उसको जो है अभी रखना वहाँ पर कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ है, क्योंकि जब आपने आरोपी को पकड़ रखा है तो दूसरे आरोपी को क्यों पकड़ लिया है आपने, उसको जेल में क्यों रखा है। और उसने ये बात कही है कि वो गुरुग्राम का स्थायी निवासी है, इस वजह से वो कहीं बाहर तो भाग ही नहीं सकता है। तो ये सब वकील ने सारे तर्क रखे हैं। हालांकि अब 20 नवंबर को देखना है कि कोर्ट में क्या सुनवाई होती है। जी आगामी 20 नवंबर की बात की है। काशिफ जी, ने आपको बताना चाहूंगी, जो अशोक के वकील है मोहित, उन्होंने अशोक के पक्ष में ये बात रखी है कि अशोक जो है वो बेगुनाह है, और जिस तरह से कि सीबीआई की रिपोर्ट सामने आ रही है आरोपी छात्र को लेकर, तो ऐसे में अशोक को हिरासत में रखना कहीं से भी सही नहीं बनता है। और इसीलिए उन्होंने सीबीआई के खिलाफ भी बोला कि सीबीआई जिस तरह से बेल का विरोध कर रही है वो बिल्कुल गलत है। इसी पर राजनीति भी बहुत गर्मा रही है। मंत्री का जिक्र करना चाहूँगी, राव नरवीर सिंह जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने प्रद्युमन के पिता से कहा था कि इस केस की जांच जो है सीबीआई से मत कराओ, हरियाणा पुलिस ही कर देगी। लेकिन अब इस पे और नया अपडेट आया है, जानती हूँ अपने सहयोगी राशि जी से, बताइए राशि जी। जी आपको बताना चाहूँगा, पहले जहाँ प्रद्युमन के पिता जो है वरुण ठाकुर, उनका ये आरोप था कि मंत्री ने उनसे सीबीआई जांच के लिए मना किया था, जिसके बाद अब मंत्री जी का बयान आया और जिसमें नरवीर सिंह मंत्री हैं उन्होंने साफ बयान दिया है कि मैंने मना नहीं किया था, बल्कि उनसे पहले हरियाणा पुलिस की जांच के लिए कहा था और उनका कहना था कि केस होते ही, मामला होते ही एकदम से सीबीआई जांच नहीं दी जाती, पहले हरियाणा पुलिस, पहले वहाँ की स्थानीय पुलिस जांच करती है, उसके बाद सीबीआई जांच होती है। और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर मेरी नियत में खोट होती तो मैं उसके अंतिम संस्कार के बाद वहाँ जाके सीबीआई जांच के लिए मैं अप्रोच क्यों करता सीएम के साथ। कहीं ना कहीं उन्हें बचाव किया है अपना, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है केस बहुत ही गंभीर है, अगर इस पर कुछ भी बोल देना कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा करना, मंत्री का बयान ये सामने आना, इसी बात की ओर अंदेशा जता रहा है कि इस केस को अब सियासी रंग दिया जा रहा है। उन्हें आने वाले दिनों में ये मामला और भी ज़्यादा तूल पकड़ लेगा, क्योंकि जब से प्रद्युमन की हत्या हुई है तब से ही बहुत बड़ा दबाव चल रहा था, बहुत बड़ी बातें सामने आ रही थी कि आखिर कातिल कौन है। प्रद्युमन के परिवार वाले, उनके माता पिता लगातार इस बात की गुहार लगा रहे थे कि आखिर कातिल कब पकड़ा जाएगा। पहले गुरुग्राम पुलिस ने जांच की, जब उससे संतुष्ट नहीं हुई तो भी सीबीआई जांच की मांग की गई, सीबीआई जांच को लेकर भी काफ़ी रसाकशी का दौर चला। फिर हालांकि सीबीआई ने जांच ली, लेकिन उसके बाद भी अब लोग इस बात के इंतज़ार में थे, प्रद्युमन के माता पिता इस बात के इंतज़ार में थे कि कब तक आरोपी पकड़ा जाएगा, किसने उनके मासूम बच्चे को मार दिया। और अब प्रद्युमन को कातिल को लेकर सीबीआई ने खुलासा किया कि आरोपी छात्र उसी स्कूल का था जिसने मारा है। आपको बताना चाहूँगी कि इसमें एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि प्रद्युमन और आरोपी छात्र एक दूसरे को 2 साल से जानते थे, और आरोपी स्टूडेंट को देखकर ही प्रद्युमन को पियानो सीखने का शौक चढ़ा, और कहीं ना कहीं प्रद्युमन उसी को देखकर इंस्पायर हुआ और वो भी पियानो की क्लासेस जाया करता था। और इसी वजह से बाथरूम में जब उसको स्कूल छोड़ा उसके पिता ने, और उसके बाद वो आरोपी छात्र से मिला, उसने उसे इशारे से बुलाया तो उसने बिना सोचे समझे उसके साथ बाथरूम तक चला गया, क्योंकि उसे लगा होगा कि वो तो उनको जानते हैं। जाहिर सी बात है कि हम किसी को जानते हैं, हमें कोई बुलाता तो हम भी चुपचाप चले जाते, और कुछ यही गलती प्रद्युमन से हो गई। उसे क्या पता था कि बाथरूम में उसके साथ ऐसी घटना होने वाली है। चलिए आगे रुख करते हैं इस केस में एक और बात का, कि जिस तरह से आरोपी छात्र को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, बार बार ऐसी स्थिति। आपको बता दूं कि जो उसकी बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी हैं वो 22 नवंबर को इसकी इस केस में रिपोर्ट रखेंगे, और उस आधार पर मालूम चलेगा कि आखिर छात्र पर नाबालिग या फिर वयस्क की तरह केस चलेगा। और कहीं ना कहीं अभी भी बोर्ड जो काउंसलिंग चल रही है आरोपी छात्र की, लगातार काउंसलिंग चल रही है, और बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति जेल में भी सही नहीं है। अनु जी आप बताइए। देखिए
मैं बताना चाहूँगा कि वरुण ठाकुर हैं जो प्रद्युमन के पिता, उन्होंने कोर्ट में जाकर भी ये हवाला दिया है और एक अर्जी दाखिल की है कि जो 11वीं का छात्र हत्यारा है वो उसको इस तरीके की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कि उसको थोड़ी बहुत सज़ा दे करके और उसको एक तरफ़ा कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि जो हवाला दिया है कि कुछ ऐसे नियम हैं नए जिनके अंतर्गत उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से उस लड़के को देखा जा रहा है कि वो जो कस्टडी में भी वो बहुत शांत उसमें है और बहुत कुछ भी बोलने से इनकार करता है और बहुत उसको देखा जा रहा है कि वो बिल्कुल हमेशा शांत रहता है और कोई भी अगर उससे चीज़ पूछी जाए तो वो बताने के लिए तैयार नहीं। मानसिक स्थिति वहाँ भी उसकी सही चल रही, कहना कि वो डर रहा है सजा को लेकर कि अगर उसको सजा हो जाती है उसका जीवन क्या होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि उसका शौक था कि 12वीं पास करने के बाद वो लॉ स्टूडेंट बने, लेकिन कानून की पढ़ाई तो ना कर सका, लेकिन वो पहले हवालात में ही पहुंच गया। खैर राहुल जी, आप बताइए, जिस तरह से कि आरोपी छात्र को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं और सीबीआई और गुरुग्राम पुलिस में भी बहुत मतभेद सामने आ रहे हैं। सीबीआई ने गुरुग्राम पुलिस को एक कटघरे में खड़ा कर दिया है। गुरुग्राम पुलिस का अपना पक्ष ये कि हमें जाँच पूरी होने नहीं दी गई। अगर आपको जाँच दी गई थी तो आपने आरोपी को पकड़ क्यों नहीं लिया उतने दिनों में? देखिए, आपने बहुत सही बात बोली। देखिए, अभी तक जो है सीबीआई ने ही इस बात का खुलासा किया है कि हरियाणा पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली थी इस मामले में। अगर इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होती तो आरोपी जो है वो बच नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं पुलिस से जो है चूक हुई थी। वहीं अब देखिए, जब सीबीआई लगातार खुलासे कर रही है तो वहीं अब पुलिस और जो राजनेताओं के बयान आ रहे हैं ये भी थोड़े जो है कह सकते हैं कि अपने जो बयान दिए थे, जो अपनी बातें कही थी उससे भी काफ़ी पलट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, हरियाणा पुलिस के जो डीआईजी थे उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि जो बस कंडक्टर है उसको इतने टाइम तक जेल में रखा गया, तो उनका एक उन्होंने इस पूरे मामले को उन्होंने कह दिया कि कोई नहीं ऐसा चलता रहता, तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो उन्होंने सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार जब गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले की जांच की थी तो उसके अगले दिन आरोपी बस कंडक्टर को पकड़ लिया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि बाथरूम में मैं गंदा काम कर रहा था, प्रद्युमन ने मुझे देख लिया इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। उसका जैसे ही बयान सामने आया किसी के भी गले नहीं उतरा, क्योंकि वो बयान ही थोड़ा अलग था। और जिस कोई गुनाहगार अचानक से आके कैसे गुनाह कबूल कर लेगा कि मैंने ही मारा है। और फिर उसमें फिर पेशी हुई, उसके बाद से 25 लाख की बात की, स्कूल प्रशासन की खामियां सामने आई, सीबीएसई की रिपोर्ट सामने आई, तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं अभी सीबीआई को उन तथ्यों पर काम करना पड़ेगा। राशि जी की तरफ रुख करना चाहूंगी, कहा जा रहा है कि सीबीआई की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही पता चलेगा कि की जो आरोपी छात्र है उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। जैसा कि उसके बेडरूम से उसकी काफी चीजें ली गई हैं और उसकी सर्फिंग को कहीं ना कहीं खंगाला गया कि आखिर वो किस तरह की चीजें देखा करता था। उससे उसकी मेंटल कंडीशन को जांचा जाएगा, फिर पता किया जाएगा कि आखिर उसने मर्डर क्यों किया था, क्या वो मैच्योर था, क्या वो समझदार था, या फिर वो मेंटली वहाँ पे डिस्टर्ब था इसलिए उसने को मार दिया। क्यों राशि जी? देखिए, बीते दिन में हमने यही बताया था कि इसी पे बात की थी कि सीबीआई अभी भी साफ तौर पे अभी भी यह साबित नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो अभी भी आरोपी उसे बता रही है, लेकिन उसके बाद भी आरोपी की जो आरोपी छात्र की वो मानसिकता अभी भी खंगाल रही है। कहीं ना कहीं उसके घर जाके उसके बेडरूम से उसकी इंटरनेट सर्फिंग के बारे में पता कर रही है, जिससे उसकी वो क्या एक्टिविटीज थी, किस तरह की हरकतें थी। पेज ये फर्स्ट है कि सीबीआई कह रही है कि मानसिक स्थिति अच्छी नहीं, ये सीबीआई के हवाले से खबरें सारी सामने आ रही है। फिर अभी एक खबर ये भी सामने आई बीते दिनों की, आरोपी छात्र ने ये कह दिया कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे भाई को मारने की धमकी दी गई है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, इसलिए अपना गुनाह कबूल कर दिया। तो फिर क्या लगता है, एक तरफ कहती सीबीआई मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर वो गुनाह आखिर पेच कहाँ फंस रहा है? देखिए, पहले जो हरियाणा पुलिस थी वो आई अशोक के ऊपर, फिर सीबीआई जांच आई सीबीआई के हाथ में, तो उसने आरोपी जो अशोक को भी समझते थे तो अशोक कहीं ना कहीं साइड हो गया और आरोपी छात्र जो एक नया खुलासा हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर आरोपी छात्र का जब बयान आया, पहले तो उसके पापा ने बताया, उसके पिताजी ने कहा कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है और सीबीआई पर आरोप लगाते हुए कहा था। फिर सीबीआई भी कहीं ना कहीं उस पर आरोप लगते नजर आए, वो भी उस जांच के घेरे में आई। अब आरोपी छात्र ने पहले जहां सीबीआई ने कहा था कि पहले आरोपी छात्र ने कबूल कर लिया है, लेकिन उसके बाद जब आरोपी छात्र अब अपने बयान से पलट गया है, उसने बोला है कि मैंने ज़बरदस्ती बयान दिया है, सीबीआई ने मुझ पर दबाव बनाया, थर्ड डिग्री तक टॉर्चर किया, उसके बाद मैंने यह बयान दिया।
तो फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पेज है कि आखिर आरोपी कौन है। अगर अगर आरोपी छात्र की दलीलों को मान लें या फिर सीबीआई की रिपोर्ट्स का मान लें, सीबीआई की बयानों को मान लें, सीबीआई का एकदम उलट है और आरोपी छात्र का बयान एकदम उलट है। कुछ भी समझ में अभी फिलहाल नहीं आ रहा, पूरा सस्पेंस बरकरार है कि आखिर कातिल कौन है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में ये साबित हो जाता है कि आरोपी छात्र ने नहीं मारा है तो फिर मारा किसने है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सीबीआई सबसे पहले कटघरे में खड़ी होगी। तो वहीं हम इंतजार होगा 22 नवंबर का, जब बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी अपनी रिपोर्ट रखेंगे और उस आधार पर पता चलेगा कि आरोपी छात्र को आखिर व्यस्क या फिर नाबालिग की तरह सजा होगी। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे इसी केस से जुड़े अहम पहलू को लेकर। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।